तो ये रहा मेरा कॉकटेल, ट्रस्ट मी। चीयर्स। हेलो फ्रेंड्स, कॉकटेल जॉकी में आप सबका स्वागत है। कॉकटेल्स, वाइन, स्पिरिट्स के बारे में हर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कॉकटेल जॉकी और बेल आइकॉन नोटिफिकेशंस बटन प्रेस करके हर दिन देखिए कॉकटेल और स्पिरिट्स एपिसोड्स। हेलो एवरीवन, माय नेम इज टोबायस करवालो और मैं होम का बार मैनेजर हूँ। होम एक मेंबर्स क्लब है बाय पीवीआर सिनेमाज इन साउथ दिल्ली, और यहाँ पे बार में हम सब कुछ इन हाउस बनाते हैं, जैसे कि फ्रेश जूसेस, सिरप्स, टिंक्चर्स, गार्निशेस। और जो आज मैं कॉकटेल बनाने वाला हूँ उसका नाम है ट्रस्ट मी। इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉकटेल जो मैंने जेम्सन बैरलमैन होमकमिंग के लिए बनाया था बैक इन 2017। ये कॉकटेल के इंग्रेडिएंट्स है सम अंगुस्त्रा बिटर्स। बिटर्स सॉल्ट जैसे होते हैं, हाउ सॉल्ट इज टू शेफ्स, फॉर बिटर्स आर टू फॉर बार्टेंडर्स, तो इट एलिवेट्स द कॉकटेल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं डालने वाला हूँ, सम फ्रेश लेमन जूस। जस्ट टू गिव इट बिट ऑफ सिट्रस। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हनी सिरप। ये हम बनाते हैं फ्रेश हनी से एंड हॉट वाटर। सो टू पार्ट्स ऑफ हनी विथ वन पार्ट ऑफ हॉट वाटर और उसे ब्लेंड करें। तो दिस इज द स्वीट इंग्रेडिएंट। After this, some fresh pineapple juice. याद रहे, pineapple juice हमेशा fresh रहे। और finally, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये cocktail मैंने Jameson Barrelman Homecoming के लिए बनाया था, तो the final ingredient is Jameson Irish whiskey. अभी ये कॉकटेल का जो इंस्पिरेशन है वो एक वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज कॉल्ड टुडे स्पेशल। ये है एक इंडियन अमेरिकन मूवी है जिसमें नसरुद्दीन शाह जी है। इट इज़ अबाउट अ शेफ, और उन्होंने मूवी के बीच में एक फूड मेन्यू बनाया था आउटसाइड देयर रेस्टोरेंट, और मेन्यू जब भी रेस्टोरेंट के बाहर रखा था उन्होंने वहाँ पर लिखा टुडे स्पेशल ट्रस्ट मी, और इसलिए मैंने ये कॉकटेल का नाम भी ट्रस्ट मी रखा है। ट्रस्ट मी का जो इंग्रेडिएंट्स है, फोर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और फाइव डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, जेम्सन, पाइनएप्पल, हनी, लेमन एंड अंगुस्त्रा बिटर्स, ये आपको दुनिया के कोई भी बार के पीछे मिलेगा। कोई भी बार ये कॉकटेल बना सकता है अपने बार में, ठीक है। तो चलिए इस कॉकटेल को शेक किए गए। अभी इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया है, वो है अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ मेकिंग अ कॉकटेल विच इज़ कॉल्ड रिवर्स ड्राई शेक। तो मैं रिवर्स ड्राई शेक क्यों करता हूँ? रिवर्स ड्राई शेक इज बिकॉज जो पाइनएप्पल जूस है इट इज़ अ नेचुरल इमल्सिफायर, जैसे कि एग वाइट होता है, जैसे कि कॉफ़ी भी होता है, तो इससे आपको कॉकटेल में एक अच्छा सा हेड आता है ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ग्लास चिल किया है। द रीज़न टू चिल द ग्लास इज जब भी आप कॉकटेल ट्राई कर रहे हो तो ग्लास भी अगर चिल्ड हो जाएगा तो आपका कॉकटेल का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अगर आपने वार्म या रूम टेम्परेचर ग्लास यूज़ किया है और एक कोल्ड कॉकटेल उसके अंदर डालते हो तो आपका कॉकटेल का जो टेम्परेचर है वो अपने आप ही चेंज होगा। एक सुपर चिल्ड ग्लास। अभी मैं इसको करता हूँ फाइन स्ट्रेन। इसके लिए भी एक ट्रिक यूज जो करता हूँ मैं इज कीप द स्ट्रेनर इनसाइड द ग्लास। जो ये बबल्स फॉर्म होता है ऊपर आफ्टर रिवर्स ड्राई शेक वो फॉर्म नहीं हो गए और आपको एक क्लियर हेड ऊपर मिल जाएगा।
वेरी सिंपल, और इसे खत्म करते हैं अच्छे से गार्निश के साथ। जैसे कि मैंने बताया सब गार्निशेस भी हम इन हाउस करते हैं, तो ये हमने कुछ लाइम्स लिया है जिसे हमें डिहाइड्रेट किया, वेरी एक्सट्रीम डिहाइड्रेटेड, तो हल्का सा कैरमलाइज हो जाता है ये ऊपर से। तो ये रहा मेरा कॉकटेल, ट्रस्ट मी। चीयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर ये कॉकटेल पसंद आया हो तो कॉकटेल जॉकी को सब्सक्राइब करो और ये कॉकटेल अपने घर पे ट्राई करो, वेरी सिंपल इंग्रेडिएंट्स। और मुझे कमेंट्स में भी बताओ आपको कैसा लगा कॉकटेल्स, शेयर करो ये रेसिपी विथ ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल योर बारटेंडिंग फ्रेंड्स, ऑल योर फ्रेंड्स हु आर नॉट फ्रॉम बारटेंडिंग ऑल्सो, ताकि ये कॉकटेल आपको एक इन हाउस बारटेंडर आपके पार्टीज में बना सकता है।